जितने पैसे आ रहे सब खा जा रहे हैं वहां। अब वहां जाना होगा क्या करेंगे? हेलो जोशी जी, गरिमा हो तो आ मैं गई हो आ तो। हाँ माँ प्रणाम। सुहागति ठीक हो? भले है ना, तुम है ना? हो नहीं भले जो रही है, कोई दिन में मिले गले तो लग जाओ मम्मी। हाँ तो बेटी घर आ जाओ। तो जब ठीक है सुपे जाओ। आ तुम आया कुछ अपने दीवार ना काम। अरे भूल जो है मेरा घर में चिंता है। हाय आ आज फिर यानी आए बाजू क्या तुम भी कौन क्या एरी पर कोट टाई पैंट पर मैं ना वो तो आज में भी नहीं गया थी, दो तीन दिन रही हम यहाँ। वो जो कहीं तुम सोच ध्यान नहीं करो उन्हर पर कोई बात नहीं, अल्लाह पतो करन फोन करन तो कुछ अच्छी बो। ये तो बाहर तुम ये कैसे आ जाए हो, ये तो दूर में बैठो बैठो। लगे ना चिट्ठी ना पत्र ना के फोन ना के आज तक तो चिट्ठी पत्र नहीं बा फोन ना कर फोन तो कर दिन पर तुम उनका बैठो हाँ बैठो लियो बैठो अच्छी बो। तुम हमको फोन कर दिन अब फोन करा चाहिए तुम उठाए ना कहाँ पे मेरे टाइम है नहीं हो ना माँ क्यों करूँ तब तो चिंता आएगी ना। तो मैं कहूँ ना फोन नहीं उठूँ ना वो नहीं उठूँ ना याने नहीं आ रहा काम हो गया ना। ओहो घर में ला सब ठीक करो तो घर में तो सब ठीक है रो चल बुआरी ना नाती सब ठीक है सब ठीक है ना। अच्छा मैं तो कर ना बेटी बेटी बुढ़ी घर में नहीं आ रहा दो तीन दिन में आज बोल जाऊँ जी ओसी बो फिर आज फोन करने पड़ा। अरे वो उधर पे नहीं गए ना बिंदु खत्ता है तेरे पे जाने गई मैं कौन आज भी हूँ बिंदु खत्ता जाने हूँ नाची ने अब फोन कर दे फोन ले नहीं उठाना ना अलम नहीं करूँ का आज हम मिले बिजी हो गई है बुढ़ बाने स्कूल को लाखों में ये आप तुम ले आगे था हमारे स्कूल में पढ़ूं आला। हाँ हमने दिमाग खराब बुढ़ा रूम दिमाग खराब कर रहा है। अब तो देखो तो बड़बाज में परेशान कर रहा हूँ मन नहीं लाग रहा है। मैं वहाँ जा रहा हूँ जा रहा मेरे जजमान याद कर रहे हैं मन मैं यहाँ आएगा कम से कम फोन तो कर दूँ। फोन खराब चाहिए बिल्कुल बिल्कुल फोन तो खराब चाहिए बड़बाज फिर पर तुम बाप रे मैंने सोची इधर रात में पे है तुम यह। अरे फोन नहीं उठा तो मैं फिकर रह गया मेरे को गए तो कहाँ गए ना वो तुम तो बोल जो ना पिछाड़ी लग गया रहो था आए आज कर बाप फिर चलो अम्मा पानी उन्होंने तुम्हारे लीजिए। हाँ पानी प्यार नहीं लग रहा चिंता है रहा उन्होंने कब सोच खबर मिल जाए नहीं जब चलो भाई मैं फोन कर लूँ आप फोन पर कर लूँ। हाँ तो ये लेन आए तो केला पूछो केला था तुम तो हाल है कि मन खाई तो मैं अच्छा तो मन गुरु ये धर रहा हूँ बुआरी ये तुम्हें बुआरी से कैसा यो कैसा यो तुम यहाँ काट भी बहन नहीं ना साबुत कद्दू नहीं दिन ने बहुत पतुन नहीं कद्दू में अच्छा पूर कद्दू नहीं दिन ने भैया काट दो जल्द कुकुर कंपनी निकाल लेंगे इन बड़ी में। अच्छा कत्ती पूरा कद्दू दिन में दोष मानी जा सो कद्दू पूर पूर कद्दू नहीं दिन को ओ चाव धमा बोल मैं क्या तो ऐसे जानकारी देना चाहिए जरूर है भोज है गए भोज ल पूर नहीं दिन गई ना। अच्छा कल चिर तब ल मार देंगे। अच्छा कद्दू ल पूर नहीं दिन हो पहली बार बचपन में ना मम्मी हमारे वो मठले बगली दी थी रात में कोयल डाल दी थी वो मैंने नजर लग जाए और क्या और चीज ले धरा बड़े जो नक देख लिया अब मिठाई का भी केनी लाई चिंता है कि काबर नहीं मिठाई ये तो घर में आई बे लियो ना मां या मिठाई को ये नहीं खान मिठाई को खाओ या कोई ले मिठाई लूने नहीं भाई होसी बो आई मत जी उन्होंने तू भारी हो बाप रे अब पता नहीं ये धरा न लो ये तुम्हें खोल लिया है अल्लाह तो अम्मी पहले तुम्हारी जी चाय बड़ो ना हां क्यों मिला नहीं मेरे क्यों भेज रहा है ये होसी बो मैं देखनो अल्लाह देखनो आते ही तुम छल का फल बहुत कथा माँ बहुत है मैं पानी हाँ
गरम पान छो तो गरम पान पियो और के हरो तुम घर पर ला सारो काम घर में काम है रो बा धान काटो नहीं नहीं है धान ले पापड़ कर दी। अच्छा बारिश हो गई थी बीच में बारिश हो गई थी जागा काटा कुछ से सड़ गयो बारिश उसी वो हो गाजो कटा हरे में आज वो आबो काटना लूट पड़ो था लूट वो लूट लगो नहीं ना तुम को उधर लूट लगो ना ना मैं मिलो बुआरी लगो हाल वो बैरी लगो और पड़ो पड़ने लगे ओ ना ना करना चाहिए मदद करने वाला सब है हम होगा करो ना हमारो और तो पड़ो घर बना दे वो पलटो कर पलटो पलटो कर था फिर बढ़िया हो बे पियो मैं पियो तो पान पियो बे खान खलाब खान बड़ा रखो हम भूमि लाल रखा है उसी को ना वो तो दूर पे रहता खान खान भाई फिर खान गए थे ना वो अरे वो पुआचो गुणी में फोन कर दो हेलो तो बुढ़ी हूँ बाहर जन कराई गुणी बिंदु खाता चुबल में जजमाना माचो गुणी आओ पाठक जी चंबल ने पा गोला गेट में पाठक जी छन गुणी उनवा छु गुणी में पाठक जी घर नहीं जाने आप भागवत गुणी चुबल यो गुणी 26 तारीख बैठी भागवत छु गुणी का जब वहाँ बुढ़ी आने का रोचे वो गुणी तो बुढ़ी फार पीर कर दी मेरी फोन स्विच ऑफ करा ची गुणी आ रात खोलो फोन गुणी अब बुढ़ापा में जो आप कब तक कर वो मेरे को बता दियो तुम तो फोन की लेनी उठाए पर बहुत इस बार दिन भर परेशान कर दी बुढ़िया होना चाहिए। अच्छा पी सारे पर भागवत होना होगा पर बुढ़ों में कोई तुम मन कर मिले उन उठा का हिटला हमारे वहाँ गांव बिराजे छिन्ने भागवत चुपल उन वहाँ गोला गेट में अच्छा, अच्छा। फिर तुमने चला मैं ले जाऊँ पान पियो पामा पियो फिर चाय बढ़ो ना तुम्हें लीजिए मैं चाय नहीं पीना मुझे दूध गर्म कर दियो खाना खाला पर रोटी सब्जी खाला के नहीं खाने खाते रह रहा हूँ खाते रह हूँ। अच्छा अरे वहाँ बद्रीपुरा वहाँ बैठी वहाँ रही हूँ खाना चाय दिन में वहीं चिया दिन में वहीं चिया। अच्छा मैं कौन चु बिहार में रिक्शे जो ठा रहा मैं ध्यान नहीं दे चलो बढ़िया बामा आगो चाय अब मेरा आजकल दिवाली सफाई है रे मैं मेरा मुझे टाइम नहीं है बात कर रहा कोई बात नहीं तुम बैठ रहा मैं आपको काम में जाऊंगी बद्रपुरा में नहीं हूँ जगदम्बा नगर में अरे जगदम्बा नगर में ओ अच्छा अच्छा मैं दिमाग बटी हॉट को जगदम्बा नगर जगदम्बा नगर हाँ दिन में बैठने का वहाँ होना ला दिन में वहीं हो ठीक करो भाई बढ़िया वो बैठने वाले जांच हैं हो और सुनाओ बच्ची हरी सब बढ़िया है नहीं आप सुनाओ अब हमारा क्यों नहीं है मेरा आजकल साफ सफाई है रे पर्दे लगाई है पर्दे धोए डाल रहा है साफ सफाई तो पंख साफ करी पूरा दीवार साफ करी और मेरे एक मम्मी दुमजल की मजल बनना हुई। अच्छा भूल पट रहा है तकिया करने मन मन सफाई मन बुआरी लाग रही अब लाग रहा हूं। अच्छा आओ सिलेंडर लेंडर उठो आठों में जरा हाथ में दर्द हो रहा है ना अरे ओहो हां हां काम मकान काम मस्त है जा मस्त काम काम आई नहीं रहा दूर छोड़ा हुआ है। अच्छा आपको बता तो मदे का मिले उन काम में का टाइम ऐसा है जाए आप दीवार में टाइम हो गयो जल्दी पांच जाई के आप कोठा में दर्द हुआ उठी जने रिक्शा वालों को भी उठी छोड़ दी। अच्छा और उस बच्ची फिर उन्होंने रिक्शा वाला इतनी जने वो मैं रिक्शा बिहार का आवाज जैसी होने से मैं नहीं चाहे बिहार का मेरे को काम हो रहा है मेरे को फिर सामान लोने जरूरत की ऐसी बात ऐसा क्या जना आमा के जरूरी है क्या क्या नहीं लोने करो यार आई वो बहन के नीचे का मैं चुपचाप ले रहा हूँ यार तो देखो तो अपनी बहन का दियो ना बे यहीं की ललाचा आप बहन का दियो ना फिर सब भाई यहीं उठे लाचा तुम तो तुम्हारा बुआरी रखा तुम गए बुआरी तो धरी बे बुआरी के नाने पर तदु आल मस्त होनी तुम्हारे खेत में आल तो भाई अपन बना के ला रहे हो ना। अच्छा उन्हें तो देख ना मेरे दर खाला तो बच्चे तो आई ली जाओ मुझे। अच्छा ना ना बर्बादी लोग आज को क्या क्या के पहाड़ बाल हाल के मुझे मिल रहा है अब तो बुजुर्ग जाने ओ ना ना के नीचे ना मां हम मिठाई को खाने नहीं थी तो नो टेंशन गाड़ी में तो काम पर मिठाई डाल दीजिए वो आप फ्री हो तो मिठाई लाएंगे ओ ना ना ठीक होना चाहिए खाने दे रही है ओ हो फिर तो आमा तुम बैठो पर मैं खाना आई हमला खा ले नहीं खाया है तुम खाओ ओए तुम खाओ ना वो पियो पान पियो आमा फिर तुम्हारे लिए फल खा लो नो बगे ने अंदर बैठो खा दे रहे हो खा खाए जो मुनि आ खा ला बे
खराब है गई फिर क्या करी खाँच आने बनी हो अबे बड़ाई बार प्रचलन भयो ओ भात और ने शुद्ध भात बने भात दाल में के नि बे टाइम में जत है पहले हाथ आदमी धो उसे पीछे बोल दी ओए उसे पका दी हां खाई पर बाजू उपो अन्न खरुन वाची बुढी हूं बात बात करता दाठणी छन तुम मन का तुम यहां फोन ना करिए भागवत में डिस्टर्ब ने करिए भलो को बोले हां मैं लूनु फोन करन तुम पियो मामा पान पियो हां फोन लेउनु में हो बड़बाजू नाना आम का फेबर है क्या बहुत है तुम्हारी यहाँ कि गुस्से है गई हो कुछ ये दो दिन बैठे कोई फोन फान ना मेरे को मेरे जगह तो है ही रहते रहे बड़बाजू बात हो मिल बता तो हलो ये भागवत में जानी छू डिस्टर्ब नहीं कर दिया कुछ गए अब बड़बाजू आम कल नग लगी भाई दो दिन में तुम बात नहीं करी भाई उन्होंने कल नग लग जाने कुछ नंदिना आपको आपको मैं बिजी भाई नंदिना का तो ध्यान खा रू मैं बुढ़ियों ने फिर मिला फरार भाई कुणी ने दिल लो करनी बड़बाजू कहोगे कहोगे वो तो गुस्से है नहीं बोल तो बड़बाजू अच्छा 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 हो कोई बात नहीं मैं तू बात कर लियो ना मिल समझ लो हम का किला आ रहा हूँ जी अगला किला आ रहा जब मैं उन दगा में बिंदु का ताई जा देखी जाएगी वो ना ना मिल तो देख के वो मैं कदू बाहर रह रही था ने तीन चार बार हो गई मैं था तो सब लोग जान में का तो डीजी हाट वाले और गोला गेट कार रोड में सब हमारे रिश्तेदार बिरादर सब आई रोनी अच्छा 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 पहचानी अच्छा हो बेहतर न तन देगा ताई अभी भेट भेट बाप दिवाली में तो कसी हूँ सताईस कदू सताईस में तो छब्बीस में अच्छा अच्छा बढ़िया वो बड़बाजू बढ़िया मैं अकेले नहीं हूँ जरूर हूँ लियो हम हूँ बात करो लियो मैं बड़बाजू हूँ नहीं दुई बात करिए बोल हेलो ठीक है हाँ की बात फोन के लिए निकाले हाँ अरे फोन कट ना चिंता नहीं होने अब दौड़ दौड़ दे तेरी मजे आए वो आओ और जानू ले खाते लगने लगे सीला जोशी घर देख के वो क्या खर्च लाऊं आ ऑन जाने में तो लगने डर है ओ बिल्कुल बिल्कुल एक स्टेशन में भाई इतनी हो अच्छे करो का आमा और प्रभाजी भाई स्टेशन है मित्रों ये क्यों नहीं हो कौन कर्चिंग कर में एक आध दिन में अच्छा तो मैं भागवत में चला हो मैं कौन हूँ भागवत है अब भागवत है नहीं रहा तैयारी चल रही है छब्बीस सताइस में छूकनी ने अच्छा पा घर जानो बिचार कब जाने से अब अल्लाह खा जाल बे अरे जब भागवत पूरा जाल ने हो भी 8 9 तारीख तक सोचो तुम करेगा पर बाजी में हम ले आ भी रोनी तब तक यहां मुनी में मदद कर दिया लियो काम तो कहीं ना करन मुनी बैल डालनी छत में मुनी बड़ी ले डालन लाग दिला जब हो तुम ली जिले बड़ून मुवाली बहुनी हो अच्छा होय क्यों कोनी अच्छा चला बे अरे हो तो चलो बे मुआर बहुमणि में बहुमणि में देखा बहुमणि स्कूल स्कूल खोल लगा बाबू मुआर हो मिल स्कूल खोल लगा बहु हमारा तो ये नंदिना देखा तुमने बैठे पढ़ने का मैंने पढ़ा का पढ़ा था हाँ आये पढ़ लेला बाबू दोबारा पढ़ने की उम्र थी क्या हूँ मुझे टीचर थी कहाँ अलवर में अरे अलवर में टीचर थी यार रिटायरमेंट हो गया रिटायरमेंट हो गया ओ नना ठीक है बढ़िया अब तो मन का पढ़ो पे उसे आप आजकल नई जमाने पढ़ाया कर लो टाइम पे पढ़ाया लो मुझे आप नई तुम कहा यहाँ इंग्लिश मीडियम में कर दो तुम्हारा एडमिशन एडमिशन क्या करना था नर्सरी में एक छोटी सी ड्रेस बना देंगे आपके लिए इसका जो वो
पर जाना यहाँ खालसा इंटर कॉलेज में भेज देंगे या यहाँ गुरु तेग बहादुर में चले जाओगे। टीचर हम टीचर नहीं लगे पढ़ने के लिए जाओ, टीचर क्यों लगे, आपको तस्ल नहीं टीचर है स्कूलों में। पढ़ना नहीं, मैं खुद अब थोड़ा मैंने ये कहा कि अभी उस समय आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा, आप इंग्लिश मीडियम वाला अंग्रेजी पढ़ोगे तब हिंदी तो आती होगी ज्यादा। ओ अंग्रेजी पढ़ा माँ तुम वहाँ टीचर तुम्हारे अंग्रेजी में पढ़ाई जा ए बी सी डी करके ने? और पढ़ा मन है पढ़ाई की उम्र देखी उन्हें भी मरण तो पढ़ने भाई बुढ़ा बुढ़ा कहा हो तो पढ़ रहे सर अपना कोई बात नहीं, जब वो हमारे नजदीक बैठा वो बैठ गया तुमने मुड़ी बैठ के जे उन्हें देखा उनको नहीं पढ़ा दिला मैं और काम कर लू नहीं हो तो बड़बाजी होनी पर तुम हो आप वहाँ भागवत में तू क्या कर ली बूढ़ी क्या करे वहाँ बुढ़ाची पोता तनखर नहीं लाया है फिर लोग वो कॉल उन्हें अब तुम आप बूढ़िया कर ले भागवत में लेके जा उस दिन आया अपनी पारायण दिन जिस दिन पारायण हो ना दक्षिण नहीं उस दिन वो बढ़ूंगी क्या वो पूजा होती है ब्याज पूजा होती है ब्याज पूजा दिन बैठ वाला उल्ला बुढ़जू ने देखे उस दिन बुढ़ने भाई तुम सब बच्चे मिला लो दिन नहीं हो। और सुनाओ कि हरी पहाड़ में और सब ठीक हरी है कद बार हो तुम यहाँ ठंडे तुम तो स्वेटर ले पैर भी नहीं आ रिया ठीक आ रहा था मौसम ठीक है अब जाके ठंडे ले नहीं रहा उल्ला नहीं रहा ठीक है रहा मौसम अच्छा अच्छा अब वो जाके देखना किला यू कार्तिक का मैं तुम यहाँ तुलसी भी पूज देखो ना बारिश आ रही है बारिश में तो बहुत ठंड है बच्ची अच्छा इधर आग जरूर करा हूँ कार्तिक का मैं मैं ए पैर बटी आकाश दी जलू जलू ने होना तुम यहाँ जलूनी ने वो आप पोड़ते हो अनंत चतुर्दशी दिन अखंड जोत जने छत में जलूनी तुम्हारे पहाड़ में जरूर जलून चे सब वो बतमुड़े चेने अनंत चाहो धनतेरस दिन धनिया जरूर खरीदो चे तुम यहाँ लूनी धनवंतरी देवी प्रकट होती है ना वो धनी जरूर निर्जय बोणा जेले वो धनतेरस दिन धनी जरूर खरीदना चे धनिया जरूर खरीदना चे फिर लक्ष्मी माँ प्रसन्न होने वे धनतेरस दिन बैठी तुम लक्ष्मी पूजा ना दिन तक वहाँ धरी रखो मंदिर में वही बात वहाँ अपने गमले में बो दो फिर वो जमता कैसा है करके उसको देख लो तो आमा अगर धनिया है आमा मैं तुम्हारा ये समझू की धनतेरस दिन धनी लेना अलग बात है उस दिन धनिया जरूर चाहिए आप बर्तन उसी लेना जब तुम बताश खरीदा था खिलौन खरीदा सब चीज तो घर में नहीं होने घर में ठीक है ना अदरक तो उस दिन धर दिया धनतेरस दिन लक्ष्मी पूजना दूसरा दिन वो बोए दिया अगर वो बढ़िया सा जाम गया तो लक्ष्मी माँ प्रसन्न महालक्ष्मी दूसरा दिन तो धनी को बोई दी थी धनतेरस दिन धनी खरीद लो फिर लक्ष्मी पूजा दिन जिस दिन लक्ष्मी पूजा हुई दूसरा दिन धनी बोई देना गमले में यहाँ आप देख रहा तुम मेरा ये तो बढ़िया है जाम यहाँ खेत में गमले में बोना ही चाहिए खेत में खेत में बोई दिया वो मले सब होगा नहीं जामन बोलो बोल बढ़िया कर जाओ मतलब बड़ी नाम हो खेत में तो हमारे धनी आते हैं ये तो लंबा है अच्छा लेकिन हम लोग के घर लक्ष्मी पूजना दूसरा दिन धनी बोई दिन और वहाँ फिर देखनों को जामनों का बहुत बढ़िया जम जा जरूर धनतेरस दसी दिन अखंड जोत छत में जरूर चलानी चाहिए। पहले हमारा धनी है ये मर्च है और ये एक थैल में मर्च ले जाके नहीं उसमें बारी मर्च ले तो रहेगी मिर्च अगर कम धनी ये चीज नहीं है ये सिर्फ हम के नमक खरीद लेते हैं अच्छा अच्छा ये जीरा हो गरम मसाला हो और सब चीज हमारे खेत में चलो बढ़िया भामा बढ़िया भाव मेरा आप होते हैं तैयारी हरे पे आप तुम आराम करो मुझे तुम खाले दूध दी दूध में गर्म कर ले दूध नहीं पीना अब मैं अंदर काम है लेकिन अब ये धनतेरस दिन खरीदारी करनी ना लोग मस्त जी बर्तन वर्तन बर्तन नीले खरीदना चला लेकिन धनिया चीनी बतासे और झाड़ू ले उसी प्लास्टिक और शीख और झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए अनुदिन बढ़िया से घास वाला झाड़ू खरीदना चाहिए झाड़ू खरीदना चाहिए
यो झाड़ू खरीद धनतेरस दिन फिर यहाँ के करनी नहीं अभी तुम अब तुम पंडित जी घर वाले है लेकिन कब तक पंडित जी लोगों को ले उठो जा गाजो हो ना गाजो झाड़ो हो अम्मा तुम सुनो मैं बात देखो सुनो तुम अपने लग रहा है कि तुम बोलने यो देखो रक्षा धागे बात दे धनतेरस दिन यहाँ खरीद दो यो वाला झाड़ू ले लिया ये फिर इसको ये 5 लाल धागे लियो ये देखो पोर साल बारी तो आए तो अपने रह रहे रक्षा धागे से लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होती है इससे ये देखो यहाँ मटी मतलब ये झाड़ू की कमर बांधनी पड़ती है ये लाल धागे से बांधना पड़ता है आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा मैंने यहाँ से 5 जगह बांध रखा है ये और ये 5वीं जगह यहाँ पर ये 1 तक देखो आप धनतेरस दिन तक आयले में झाड़ू 1 चल गए ये झाड़ू ये और झाड़ू ले छन लेकिन ये जैसे मंदिर में रसोई के कमरे में वहाँ झाड़ने लीजिए धरी हो ना तो यहाँ जरूर ले तुम धनतेरस दिन खाली पहाड़ों में तो दुकान उकान नहीं होनी जो होनी हो ना हो दिनों को हाँ झाड़ बड़े दिन ले लियो नहीं वो कभी ले तुम झाड़ू खरीद चाहे जब तुम दातुल कोई त्योहार में भी त्योहार में दातुल कुटाओ दातुल अल्लाह ने दिन पा दातुल तुम ओ घूमा भदो में बच्चों को ना वो सब दी जाएगी हमको अमन आ अभी ये में तो दातुल कुटाओ पे नहीं दिन ये धंधे रहे दिन तेज बाहर नहीं करो ना ओ का दिन ना मतलब ओ पा भदो में है हूं बड़ों को बस सब दी तुमको ये चीज बतूंगी कि जदू लोग और ले मैं वीडियो दिखाने आने सब बोली जी रिक्वेस्ट चुकी झाड़ू आप खरीदे तो प्लास्टिक का ना खरीदे धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदे रहे तो मंदिर में धारण जाए मंदिर में तो रखेंगे फिर सीधे मंदिर में रखा जाता है उन मंदिरों में फुल मंदिरों में नहीं जाके या भैर मंदिर से वहाँ भी आप खरीद के दो झाड़ू दे सकते हैं बोला पैसे पत्थर के चरण जाएंगे चुपचाप मंदिर में रख देना चाहिए झाड़ू आप खरीदते हैं तो झाड़ लगाए वो फिर पकड़ वो झाड़ू जब मंदिर में जो पैदल देखना नहीं चाहिए चुपचाप धरिया हुआ हाँ मंदिर में बड़े मंदिर में आप झाड़ू खरीद के धनतेरस के दिन वहाँ लक्ष्मी माँ की पूजा के लिए रख सकते हैं आप किसी भी मंदिर में जाके दो झाड़ू खरीद के रख सकते हैं जुड़वा झाड़ू लेना चाहिए धनतेरस के दिन लेकिन प्लास्टिक वाला ऐसे मत लीजिए बस यही वाला झाड़ू लीजिए ये शिका झाड़ू हाँ वो सीक वाला झाड़ू लगा हाँ लेकिन ये जरूर आपको रक्षा देगा लाल धागे से ही झाड़ू को बांधना है मित्रों और आज आमा पहाड़ से आ चुकी हैं आमा को भी मैं बता रही हूँ कि आमा जब भी झाड़ू आपके घर वाले खरीदे तो इसको आपको जरूर लाल धागे से बांधना है 5 जगह इसे बांधना है उसके बाद मंदिर में तो ये रहेंगे मंदिर में पूजा होने के बाद चंदन टीका जो भी आप झाड़ू पे लगाएंगे उसके बाद इसको 5 बांध के फिर आप दूसरे दिन से चुन्नी ना बांधनी हाँ लाल चुन्नी बांध लो या लाल ये मैंने तो रक्षा धागा मार रखा ना सबसे लाल चुन्नी बांध दे रहे हो हाँ। मतलब हम पढ़ना सही है आप जैसा दिन हो या मंदिर में धरेंगे हाँ हर साल मैं भी रख के आती हूँ कोई भी मंदिर में रख लेती हूँ ऐसे में ऊपर पहले जहाँ नहीं जाएंगे चुपचाप वहाँ रखे बस वहाँ झाड़ू झाड़ने के लिए भी हो जाता है तो मित्रों आज आमा आ चुकी है पहाड़ से आमा से मेरी हो गई है गपशप और आप लोगों को भी मैंने झाड़ू वाली जानकारी दे दी धनतेरस के दिन आप लोग जरूर झाड़ू खरीदें और आप धनिया उस दिन हर हाल में मित्रों धनिया खरीदें धनिया खरीदना बहुत शुभ होता है और चीज आप कुछ भी खरीदें लेकिन हर मित्र से मेरी रिक्वेस्ट है धनतेरस के दिन आप लोगों को धनिया जरूर जरूर खरीदना है चाहे 10 रुपए का लो 20 रुपए का लो खाली एक मुट्ठी धनिया ले लो उसके बाद धनतेरस से महालक्ष्मी पूजन के दिन तक आप अपने मंदिर में धनिया रख के रहें और उसके दूसरे दिन जब भैया दूज होता है तो धनिया बो दीजिए उन धनिया के जितने बीज जमते हैं तो बहुत शुभ होता है बहुत अच्छा होता है लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है तो मित्रों सभी से मेरी रिक्वेस्ट है खूब घर में साफ सफाई तो सब कर ही रहे हैं दिवाली की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं लेकिन ये दो ट्रिक भी आप जरूर करिएगा एक तो झाड़ू को ऐसे मैंने बता दिया है जैसे करना है दूसरा आप धनिया खरीद के और धनिया मंदिर में जरूर रखें लक्ष्मी माँ धनिया से बहुत प्रसन्न होती है बहुत खुश होती है और उस धनिया को अपने अंदर 5-6 दाने 7 दाने जो भी अपने घर लक्ष्मी जो आपके मसाले दाने उसमें डाल दो ज्यादा सारा गमले में या खेत में आमा के यहाँ तो खेत है लेकिन हमारे यहाँ तो गमला ही है गमला में बो दीजिए मित्रों बहुत शुभ होता है उस धनिया को फिर आप क्या करेंगे बोने के दिन भी आप लोग कोई उल्टे जूते से करते हैं कोई उससे कभी भी जूते से धनिया मत दरदरा बनाते लोग कभी मत कीजिएगा ऐसा धनिये को आप हाथ से ही मसल लीजिए इतना उनके टूट जाते हैं वो अगर बाई चांस से हाथ से नहीं हो पाता नहीं नहीं जूता तो फिर तभी ये गलत है ना जूते से नहीं लोग बाएं जूते से पीसते धनिया अच्छा जमेगा नहीं जूता लगाना ही नहीं है धनिया में हाथ से आप कर लीजिए
नहीं तो आपको क्या करना है, जैसे इमाम जैसा आपके जिससे आप अदरक अदरक हल्का अच्छा दो एक का दो चोट मार के, या कुछ मत करें आप चकले में बेलन से उसको हल्का हल्का रगड़ लें, उसको फिर बो दें, धुला चकला बेलन होना चाहिए। तो मित्रों ये जरूर आप धनतेरस के दिन करिएगा, लक्ष्मी माँ देखेगा, आप लोग धनिया उस दिन खरीदेंगे तो आपको खुद पे खुद लगेगा नहीं, वो तो सब चीज होता है, वो सब लोग कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं आजकल सभी के हाथ दिखाई, और थोड़ा थोड़ा अगर यहाँ तो सभी लोग अर्पण ये वाले दे रहे हैं जो पेंट वाला अर्पण यहाँ लोग दे रहे हैं, लेकिन उस दिन महालक्ष्मी पूजन के दिन थोड़ा सगुन के लिए मंदिर में आप गेरुआ जरूर करिएगा, और अंदर ही अपने घर में चावल भिगा के चावल पीस के उसके भी आप अर्पण डालिएगा, ठीक है अर्पण डालने का। हाँ, अब देखो ईजा यहाँ पर मिट्टी है, वो गेरुआ है, पैरों से अंदर बाहर आ जाता है, कहाँ बच्चे करने देते हैं, इसलिए मंदिर में आप जहाँ पर आपका मंदिर है थोड़ा सा आप स्वास्तिक वहां पर बना दीजिए या रंगोली बना दीजिए, महालक्ष्मी पूजन के दिन जरूर गेरुआ और विश्वास से जरूर पीछेगा। मित्रों तो बने रहेगा आप लोग हमारे साथ, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो इसलिए लोग उतना देख भी नहीं पाते हैं, इसलिए सभी मित्रों को हमारा अमा तुम रहता पहाड़ का नमस्कार करो सबू कदम तो रोला अब यहाँ, और तुलसी मंदिर में लग होगी, तुलसी मंदिर में बिल्कुल वो दिखाएंगे हम कैसे हमने वो बनाया करके, और जो तुलसी का आपका गमला है उसमें भी गिरु लगा के आप चावल हल्का सा तो एक चुटकी उसमें हल्दी डाल देना, पीले पीले अर्पण अच्छे लगते हैं, तो आम आप पत्ता दिन तर होने या फिर होनी या जिन तर होनी मेरा तो काम रहो काम रहो दीपावली से कतु काम आप एक दिन रोनी आम जाएगी लेकिन आजकल कोई कमेंट नहीं करता है, सब लोग अब ये पेंट वाले ही हो गए चमकता है। चलो सभी मित्रों को नमस्कार कर दो, फिर कल मिलेंगे सबसे, तब तक का सभी को हमारा मेरा तो सभी को प्रणाम, और दीपावली सबके लिए शुभ हो, सबके घर में खूब सारे धन की वर्षा हो, मित्रों आपके घर धन धान्य परिपूर्ण हो, धन से आपका खाली खाली कल्याण सब भर जाए, धन से लक्ष्मी माँ इतनी प्रसन्न हो जाए, इतनी प्रसन्न हो जाए। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार, ईजा का सभी को ढेर सारा आशीर्वाद दे दो, अमा तुम आशीर्वाद इजले भैया अमा हमले भैया दीजिए आशीर्वाद तुम्हारी जी महालक्ष्मी खूब शुभ हो, शुभ हो तुम्हारे घर में नाना तीना सब हो, बढ़िया हो सब जी, जय जन्म बार हार्दिक बधाई, जय सबको बधाई जा दे रही है, तो ठीक है मित्रों सभी को नमस्कार, तो ये सब झालो फालो बैंजन के सब झालो फालो रह जाओ, मतलब झालो फालो मतलब सब पीछे सब बिल्कुल बिल्कुल दूध गोर गोर बटी पान जाना।